लड़की गई कहाँ? इतनी देर हो गई है, 10 बज गए। इतना लेट तो कभी नहीं होती। खाने की फोटो भेजी थी व्हाट्सएप पे, उसका भी जवाब नहीं दिया इसने। कहाँ होगी इस समय? फोन भी नहीं मिल रहा। फोन दोबारा मिलाता हूँ। We're sorry, all circuits are busy now. इससे व्यस्त ही चल रहा है। एक काम करता हूँ, इसकी फ्रेंड को मिला दूँ, प्रिया को। हेलो, हाँ प्रिया बेटा, वो अंजलि आपके पास है क्या? नहीं अंकल, वो तो 8 बजे ही चली गई थी। 8 बजे निकल गई? 8 बजे निकल गई तो कहाँ गई होगी? एक बार और ट्राई करता हूँ उसको। Please try your call again later. कहाँ थी तुम? टाइम देखा है? डैडी, मैं अपने दोस्तों के साथ थी। अरे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जाना कितना है? लेकिन पता नहीं कुछ खाया भी है कि नहीं। बेटा खाना तो खा लो। डैड, मैं खाना खाकर आई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। आप भी जाकर सो जाइए। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। फटाफट फ्रेश हो जाओ, मैं आपके मनपसंद का ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। आई एम सॉरी डैड, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आप नाश्ता कर लीजिएगा। बेटा वो सुनो बेटा, तुमसे बात करनी है। डैड, शाम को बात करते हैं। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ। मुझे पता तुम किससे मिलने जा रही हो। वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्या बोला? वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। डैड, ये मेरी जिंदगी है। Who are you to tell me what is right for me? साल की थी तुम जब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई और जाते जाते मुझसे वचन ले गई थी कि मैं कभी दोबारा शादी ना करूं तो और तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दे सकूं। मैं वो हूं जिसने 15 साल से कभी अपने बारे में नहीं सोचा। मैं वो हूं जिसने तुम्हारे लिए अपना कैरियर दांव पे लगा दिया। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे, लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए मैंने खुद को इस 4 दीवारी के अंदर कैद करके रख लिया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी परवरिश में कोई कमी ना हो। मैंने तुम्हारे लिए अपना दिन का चैन और रातों का सुकून बर्बाद किया और तुम मुझे कहती हो हु आर यू? कौन हूं मैं? लेकिन मुझे कभी इस चीज का अफसोस नहीं रहा। हाँ, वो लड़का जिसके लिए तुमने ये बात मुझे कही, वो तुमसे प्यार का नाटक कर रहा है। अमीर लड़कियों को फंसाना, उनके पैसे पे ऐश करना, फिर उनको छोड़ देना, उसका धंधा है। अगर यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पर, तो आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूं। बेटा, मैंने तुम्हें उस दिन उस लड़के के साथ जाते देख लिया था, इसलिए मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया था इस काम के लिए। उसने मुझे ये पूरी रिपोर्ट लाके दी है तुम्हारे सामने। अब भी बोलेंगे बेटा हु आर यू? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होता। No problem.